फाइनली गाइस इग्लू स्टे पहुंच गए हम। ओ भाई साहब ये देखो भाई, यहाँ तो बेडिंग लगी हुई है प्रॉपर। रिपोर्टिंग रह जाएगी अधूरी, और सामने इतनी बड़ी मशीन आपको दिखाता हूँ जो बर्फ क्लीन कर रही है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सेथन ऊपर ताशी भाई के साथ, और ये देखो अभी बर्फ हटाने वाली इतनी बड़ी गाड़ी आई है ना भाई, टायर ही मेरी हाइट का है भाई, इतना बड़ा है ये देखो, देख रहे हो कैसे बर्फ हटा रहे हैं, रोड चौड़ी कर रहे हैं बेसिकली और कुछ नहीं, बट भाई जबरदस्त तरीके से मजा आ गया। वापस पीछे आएंगे ये। ओहो भाई इसकी ब्लेड इतनी बड़ी है ना, ऐसा थपेड़ा पड़े ना एक बार अगर। ये देखो यही सब देखना, ये देखो तो गाइस हम लोग इग्लू स्टे की तरफ चल पड़े हैं, और हमारे साथ दो चार भाई लोग भी हैं। इग्लू स्टे का रास्ता क्या गजब लग रहा है, मजा ही आके दिखाऊं। एक सेकंड, ये देखो भाई, ये स्विट्जरलैंड नहीं इंडिया है, और ये अंग्रेज नहीं इंडियंस खड़े सामने। तो अभी हम इग्लू स्टे की तरफ निकल रहे हैं, और थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड को नीचे जाके इग्लू स्टे आता है, और हमारे ब्रदर आ रहे हैं रिपोर्ट करने। भाई साहब जो मजा आया ना आज भाई, आज भी स्नोफॉल हो रहा है, जबकि आज तो प्रिडिक्टेड भी नहीं था वेदर में, फिर भी आज भी स्नोफॉल दिखा रहे हैं थोड़ी थोड़ी। ये तो पूरा ही नेक्स्ट लेवल चक्कर पड़ जाना, और नीचे ना कोई सिग्नल विग्नल नहीं होता है, तो मेरा फ़ोन होते होने वाला है ऑफ, या हो ही चुका होना ऑफ, वो चक्कर है। देखते हैं क्या होगा, अभी देख लेते सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई बंद हो गया। तो गाइस ये है मनाली इग्लू स्टे, फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट इग्लू स्टे। तो भाई ये देखो सेथन विलेज है, यहाँ फ्लैग्स लगे, वहाँ से नीचे जाना है, ठीक है। और नीचे जा रहे हैं इग्लू स्टे की तरफ। तो गाइस ये रहा रास्ता छोटा सा, नीचे देखो भाई इतना सही लग रहा है ना, गजब ही मजा आ गया देख के, है ना। बिल्कुल, चलो चलो भाई यहाँ से गोल घूमना। तो भाई खतरनाक ही लेवल का स्नोफॉल हो रहा है, ट्रैकिंग चल रही है स्नो वाली, अभी इग्लू स्टे की तरफ पहुंचने वाले हम लोग। अभी मतलब थोड़ा सा टाइम लगना है, रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गिरना नहीं है। एक बार मस्त गिराऊँ मैं, अभी पूरी टांग मेरी घुस गई थी बर्फ में, नेक्स्ट ही लेवल। ओए भाई देख रहे हो पूरा पैर बर्फ में हो चुका है, वो तो मेरे पास प्रॉपर गेयर्स हैं तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वरना तो सोच ही नहीं सकते इतना ज़बरदस्त फॉल होता मेरा ना, मज़ा ही आ जाता। और यहाँ पे इतनी बर्फ़ है, और सबसे पगड़ी तगड़ी चीज़ है मैंने रात में यहीं रुकना है, तो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये है इग्लू स्टे का रास्ता, अभी हम लोग प्रॉपर नीचे नहीं पहुंच पाए हैं, वो रहा इग्लू स्टे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहीं होगा। और ओह अभी तो ऐसा हो रखा है ना कि स्लिप ही पड़ेगी भाई, स्लिप ही हो जाना है। ओ भाई कंट्रोल कैसे किया। प्रेम भाई वाला सीन हो रहा है, रुकेंगे कैसे वाला, सच में भाई प्रेम भाई नो एंट्री हो गया। ओ भाई इग्लू दिख गया मेरे को एक, वो देखो वहाँ पे कोने में, वाह भाई मज़ा आ जाएगा देख के, बन गया इग्लू।
भाई उठ जाओ मार दूंगा भाई, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लग जाएगा रात तक मुझे ऐसा लग रहा है। और हम यहाँ ऊपर वाले रास्ते से आए, नीचे तक रिपोर्टर भाई तो अभी तक पहुँचे भी नहीं, हम लोग 90% रास्ता कवर भी कर गए, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। और यहाँ पे है एक इग्लू, एक ग्लास हाउस, मतलब दो तीन इग्लू और एक ग्लास हाउस। तो विकास भाई के लिए मैसेज भेजा है ताशी भाई ने, वो ताशी भाई को मैसेज विकास भाई को पहुँचा देंगे हम। और बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, ड्रोन उड़ा नहीं सकते तो अब देखेंगे। तो गाइस इग्लू स्टे पहुँच गए, और देखो इग्लू बन रहा है एक, अभी बाकी इग्लू कितने बन गए वो देखते हैं। विकास भाई, यस सर, हेलो, हे, इग्लू स्टे, या, जिंदाबाद, पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल गाइस, यस, इग्लू बन गया हमारा, बन गया एक रेडी है उस तरफ वाला, और ये वाला हमारा अभी इसका, अभी साले का काम चल रहा है, लग रहा छज्जा, अच्छा, और वो वाला तैयार है, अच्छा, ये देखो ये वाला इग्लू तैयार है भाई, फाइनली गाइस, इग्लू स्टे पहुंच गए हम। ओ भाई साहब ये देखो भाई, यहाँ तो बेडिंग लगी हुई है प्रॉपर, देख रहे हो, स्लीपिंग बैग है, बेडिंग लगी हुई है। दिस इज इग्लू यार गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम इग्लू नंबर वन मनाली इग्लूज भाई। दूसरा इग्लू बन रहा है, तीसरा इग्लू बनने वाला है, ये तो गजब ही लग रहा है, ये तो जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, मजा आ गया देख के। देखो मौसम जो है ना साथ दे दिया, पूरा साथ दे रहा है, साथ दे रहा है ना, नेचर इतना बुरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नेचर आपके जैसे अच्छे लोग होंगे तो नहीं होगा, अरे सभी अच्छे ही है, पर नेचर भी अच्छा ही है, पर दोस्त देता रहता है। ये देखो इस तरह से क्यूब बनाते हैं, फिर इसको लगाते हैं और फिर बनता है इस तरह। देखो अभी थोड़ा सा कंप्लीट, इसका छज्जा बाकी, बस इसकी छत बाकी, ओके। तो कहते देखो इग्लू बना हुआ है, इतना सही लग रहा है भाई देख के, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इग्लू देखा है, इट इज लुकिंग सो नाइस। इग्लू चल अंदर, दो लोग हैं फाइनली, ओ गॉड फाइनली पहुंच गए इग्लू में यार, इग्लू इतना सही लग रहा है ना भाई अंदर से, मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था इग्लू इस तरह का होता है, एंड इट इज वार्म इनसाइड भाई, गर्मी लग रही है अंदर, ठंडी नहीं है बिल्कुल, और बर्फ का ही बेड है और उसके ऊपर लगा ये सब ताजा गद्दा वद्दा, स्लीपिंग बैग वगैरह, बहुत मजे आने वाले हैं। इग्लू स्टेज बन चुका है, आना चाहते हो ये देखने को मिलने वाला है, और जरूर आओ, 100% आओ। और अब बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर इस इग्लू में रहेंगे भाई आज रात में। गाइस एंजॉय करो अब ये सिनेमैटिक जर्नी, और इग्लू के अंदर का क्या हिसाब था पूरा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बट इस व्लॉग में आपको सेथन विलेज से व्यू क्या आता है और क्या वैली का व्यू है वो सब देखने को जरूर मिलने वाला है, तो एंजॉय करो नाउ।